नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में हम बात करेंगे गैस सेक्टर के तीन बेहतरीन शेयर के बारे में जिसमें आपको इन्वेस्ट करनी चाहिए। इसमें से कोई से एक शेयर में ही आपको इन्वेस्ट करना है क्योंकि तीनों शेयर एक जैसे ही है। तीनों शेयर में किसी एक को ही आपको चुनना है। आप चाहे तो दो भी चुन सकते हैं, तीन भी चुन सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर बेहतर होगा कि आप इस सेक्टर से एक ही शेयर लें क्योंकि बहुत सारे सेक्टर्स हैं और बहुत सारी कंपनियां जो है अच्छी अच्छी कंपनियां, लेकिन हर सेक्टर की कंपनियों होना चाहिए आपका पोर्टफोलियो। उससे डाइवर्सिफाई रहेगा, आपका पोर्टफोलियो बैलेंस रहेगा, जिससे आपको लॉन्ग टर्म में एक अच्छा रिटर्न प्राप्त होगा। जब आप अलग अलग सेक्टर के स्टॉक लेते हैं तो कोई सेक्टर अभी परफॉर्म करेगा, कोई सेक्टर अगले नेक्स्ट महीने परफॉर्म करेगा, कोई सेक्टर इस साल परफॉर्म करेगा, कोई सेक्टर अगले ईयर्स परफॉर्म करेगा, तो इसी तरह से आपका पोर्टफोलियो हमेशा ग्रो करता रहेगा अगर आप अलग अलग सेक्टर के स्टॉक से अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला है हमारा गुजरात गैस, काफी बेहतरीन शेयर है। अगर मार्केट कैप की बात करें तो 45,000 करोड़ का मार्केट कैप है और जो पी है स्टॉक का 35 का है। डिविडेंड यील्ड 0.195% है। प्रमोटर्स का स्टेक का किसी में बात ही नहीं करेंगे क्योंकि तीनों जो है पीएसयू स्टॉक है, लेकिन ये वैसे पीएसयू स्टॉक है जो कि मल्टी बैगर रिटर्न दिए हैं और आने वाले समय में भी अपने इन्वेस्टर को मल्टी बैगर रिटर्न देंगे। तो यहाँ प्रमोटर्स स्टेक की कोई खास बात ही नहीं क्योंकि तीनों स्टॉक जो है पीएसयू स्टॉक है, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, या जैसे इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ साथ जो गुजरात स्टेट है वो भी मतलब प्रमोटर्स हैं, मतलब एक तरह से पीएसयू स्टॉक ही है। अगर बात करें कंपनी के डेट टू इक्विटी का तो डेट टू इक्विटी देखना इंपॉर्टेंट होगा, कौन सा स्टॉक कम डेट रखता है और परफॉर्मेंस अच्छा देता है। तो 0.19 का डेट टू इक्विटी है, 0.19, तो याद रखिएगा तीनों का कंपेयर करेंगे। कंपनी का अच्छा खासा रिजर्व भी है और कंपनी इन्वेस्टमेंट भी कर रखा है और नेट प्रॉफिट 1278 करोड़ का है पर एन्यू, मतलब हर साल इतना करोड़ का प्रॉफिट अर्न करती है कंपनी। वही बात करें कंपनी के चार्ट का तो जो चार्ट है वो काफी सॉलिड है। चार्ट देख सकते हैं कि लगातार ये आपको पीएसयू सेक्टर के स्टॉक दिखेगा ही नहीं चार्ट पर। अगर आप चार्ट देखते हैं तो चार्ट तो काफी बेहतरीन है, ऐसा चार्ट आपको बहुत ही कम पीएसयू सेक्टर के जो स्टॉक है वो देखने मिलेंगे। देखिए यहाँ पर मात्र ये प्राइस जो था 95 रुपीज का ये स्टॉक मिल रहा था 2016 में और अभी ये स्टॉक हो चुका है 658 रुपीज और 675 रुपीज का हाई बना चुका है। तो देख सकते हैं लगभग ये 6 times हो चुका है, मतलब 5 times का रिटर्न आपको मिल चुका है। जितना आप रुपया लगाते इसमें, जितना इन्वेस्ट करते उस पर उसका 5 गुना आपको रिटर्न मिलता, तो 5 times आपको रिटर्न प्राप्त होता क्योंकि स्टॉक 6 times से ज़्यादा हो चुका है। मतलब यहाँ पर इस रेंज में आप कहीं पे भी बाय करते ये स्टॉक को। यहाँ पर गिरावट भी हुआ था 2019 में काफ़ी ज़्यादा, अगर 2019 में भी आप यहाँ पर बाय करते तो भी आपको लगभग 6 times का रिटर्न प्राप्त होता इस गिरावट में। तो ये स्टॉक काफ़ी बेहतरीन रिटर्न दिया है, लगभग पिछले 2019 में भी इन्वेस्ट किया रहते तो 2 साल में लगभग 6 times का रिटर्न। आप देखिए एक पीएसयू स्टॉक, इतना बेहतरीन स्टॉक आपको 6 times का रिटर्न देता है तो काफ़ी ज़बरदस्त है। तो चार्ट पे काफ़ी सॉलिड है स्टॉक, यहाँ पर हमने मंथली चार्ट लगाया लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, यही चार्ट आपका बेहतरीन है और कभी भी स्टॉक में कोई खास गिरावट नहीं हुई है। मतलब ये एक जो प्राइस वाइज या टाइम वाइज करेक्शन है ये हमेशा आपको देखने मिलेगा। जैसे यहाँ पर स्टॉक एक ज़बरदस्त अभी ट्रेंड में चल रहा है तो यहाँ पर कभी भी ये कंसोलिडेट हो सकता है, वो कंसोलिडेशन प्राइस वाइज हो जाए या टाइम वाइज हो जाए। ज़्यादातर इसमें आपको टाइम वाइज करेक्शन ही देखेंगे क्योंकि ये पीएसयू स्टॉक हमेशा अपने प्रॉफिट ग्रोथ में है। तो जब प्रॉफिट ग्रोथ दिखाता है, मतलब अर्निंग पर शेयर इंक्रीज हो रहा हो, तो उसमें आपको ज़्यादातर टाइम वाइज करेक्शन ही देखने मिलेगा। अब देखिए यहाँ प्रॉफिट ग्रोथ की बात करते हैं तो इस कंपनी का, तो देखिए पहले यहाँ पर 2015 में प्रॉफिट जो था 2016 में लगातार डिक्रीज हो गया, फिर 2017 से प्रॉफिट इंक्रीज होना, इसलिए 2016 में स्टॉक काफ़ी सस्ते प्राइस में मिल रहा था। 2016 से लगातार प्रॉफिट इंक्रीज हुआ और अभी देख सकते हैं प्रॉफिट लगभग 6 times हो चुका है। प्रॉफिट 6 times, रिटर्न भी 6 times, दोनों डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, दोनों एक दूसरे के डायरेक्ट प्रोपोर्शन में दिखाई दे रहा है। तो पीएसयू सेक्टर उसी स्टॉक में आपको बेहतरीन मल्टीबैगर रिटर्न प्राप्त होगा जिसका प्रॉफिट लगातार ग्रोथ होता हो। तब पीएसयू सेक्टर से भी आप मल्टीबैगर स्टॉक चुन सकते हैं, बस देखना है कि प्रॉफिट किस कंपनी का ग्रो हो रहा है। प्रॉफिट में जैसे ग्रोथ देखने मिलेगा वो डायरेक्ट आपको शेयर प्राइस में ग्रोथ देखने मिलेगा। अगर प्रॉफिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो यहाँ देख सकते हैं 12% था, 15%, 13%, 16%, 21%। तो जो प्रॉफिट में लगातार इंक्रीज है उसका एक कारण क्या है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज हुआ है। क्योंकि यहाँ पर सेल्स लगभग देख सकते हैं कॉन्स्टेंट ही है, सेल्स में लगातार उतार चढ़ाव हुआ है तो सेल्स में कोई खास
इंक्रीज हुआ नहीं है। इंक्रीज प्रॉफिट में किसके कारण हुआ? ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के कारण। जो कंपनी ऑपरेशन करती है उसमें जो प्रॉफिट मार्जिन है कंपनी का इंक्रीज हुआ है, इसलिए सेल्स में बिना किसी ग्रोथ के, खास ग्रोथ के, थोड़ा बहुत ग्रोथ हुआ है कभी, लेकिन बिना किसी खास ग्रोथ के कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है। ये था गुजरात गैस, जो कि चार्ट पे भी काफी सॉलिड है, कंपनी लगातार प्रॉफिट भी ग्रो कर रही है। अब दूसरा चलते हैं महानगर गैस। मात्र 11,000 करोड़ का मार्केट कैप है, जबकि गुजरात गैस का देख सकते हैं मार्केट कैप काफी ज्यादा था, 45,000 करोड़। अब बात करते हैं महानगर गैस में, तो यहाँ पर देख लीजिए इसका स्टॉक का पी है मात्र 18 का है, जबकि उसका पी लगभग 35 का था, तो काफी सस्ते पी पर महानगर गैस मिल रहा है। अब बात करें प्रमोटर्स होल्डिंग का, इसमें कोई मतलब देखना ही नहीं है क्योंकि सारे पीएसयू सेक्टर के स्टॉक है तीनों के तीनों। डिविडेंड की बात करें 1.68%, क्यों? क्योंकि स्टॉक में अभी मूवमेंटम नहीं हुआ है, इस स्टॉक में अभी कोई ब्रेकआउट नहीं आया है, तो इसलिए हमारा डिविडेंड यील्ड काफ़ी कम दिख रहा है। जैसे स्टॉक मूवमेंट कर जाएगा डिविडेंड यील्ड महंगा हो जाएगा। अब डेट टू इक्विटी की बात करें, कंपनी वर्चुअली डेट फ्री है, कोई डेट ही कंपनी के ऊपर नहीं है, तो काफ़ी ज़बरदस्ती यहाँ पे भी एक पैरामीटर है। रिजर्व कंपनी के पास 3,134 करोड़ का है और नेट प्रॉफिट जो है कंपनी का 620 करोड़ का है, तो कंपनी मार्केट कैप में भी छोटी है, प्रॉफिट में भी छोटी है गुजरात गैस से। अगर प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो देखिए प्रॉफिट यहाँ पर 2015 में इसका 300 करोड़ का प्रॉफिट था, जबकि गुजरात गैस का मात्र 200 का था, वहाँ से उसका प्रॉफिट इंक्रीज होकर के 1200 करोड़ चला गया, इसका मात्र 620 करोड़ पहुँचा है, तो ये 3 times हुआ है प्रॉफिट, जबकि उसका 6 times हो चुका था। इसका प्रॉफिट मात्र 2 times हुआ है, जबकि उसका प्रॉफिट 6 times हो चुका है गुजरात गैस का, तो ये इस कारण से गुजरात गैस के शेयर प्राइस में भी आपको काफ़ी जंप देखने मिला है। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो ये देख सकते हैं 2015 में 23% था ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, जो कि बढ़कर के हो गया 43%, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है काफ़ी बेहतरीन है इस कंपनी का, तो यहाँ से ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन तो काफ़ी बेहतरीन है, ज़्यादा बढ़ने की संभावना हम व्यक्त नहीं कर सकते क्योंकि पहले ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा हो चुका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। सेल्स की बात करें तो कंपनी का सेल्स यहाँ पर 2015 देखें 2000 करोड़, यहाँ पर 2100 करोड़, तो ज़्यादा सेल्स में इंक्रीज नहीं हुआ क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज हुआ, इसलिए कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है। अगर एनालिसिस की बात करें, कंपनी जो है डेट फ्री है, कंपनी हैवी डिविडेंड मतलब हेल्दी डिविडेंड दिया है 38% का, कंपनी जो है पुअर सेल्स ग्रोथ दिखाया है, प्रमोटर्स का होल्डिंग डिक्रीज हुआ है, तो प्रमोटर्स होल्डिंग 3 years में, तो इसमें कुछ खास हमें चिंता ही नहीं है क्योंकि पीएसयू सेक्टर का स्टॉक है, तो इसमें खास प्रमोटर्स होल्डिंग की बात में दिक्कत नहीं है। वहीं गुजरात गैस में देखिएगा तो कंपनी हैज रिड्यूस्ड डेट, कंपनी डिलीवर गुड प्रॉफिट ग्रोथ, देखिए प्रॉफिट ग्रोथ इसका कितना ज़्यादा है 42% CAGR का, और कंपनी जो है रिटर्न ऑन इक्विटी 33% का, और वहीं इस स्टॉक में जो है अब बहुत ही मतलब कम ग्रोथ देखने मिला, सेल्स ग्रोथ तो नहीं के बराबर है, कंपनी के प्रॉफिट में ग्रोथ उससे काफ़ी कम था क्योंकि 2 times प्रॉफिट हुआ था महानगर गैस का, तो गुजरात गैस का 6 times प्रॉफिट हुआ था। अब चार्ट की बात करते हैं महानगर गैस का, तो देखिए चार्ट, इसका चार्ट भी काफ़ी सॉलिड बना है। चार्ट में यहाँ पर एक सपोर्ट बना हुआ है 800 और 700 के बीच, 800-700 के बीच सपोर्ट है, और वहीं रेसिस्टेंस भी स्टॉक ने बना रखा है 1200 से लेकर के 1380 इसका रेसिस्टेंस का यहाँ काम करेगा। अगर ये 1380 को क्रॉस करता है तो फिर आपको इसमें 1800 का टारगेट मिल सकता है, क्योंकि जो ये रेंज बनाया है इस रेंज को जैसे ये ब्रेक करता है तो इतना बड़ा टारगेट कम से कम आपको ऊपर मिलेगा, या 2000 इसका साइकोलॉजिकल टारगेट हो सकता है क्योंकि वहाँ पर एक बहुत बड़ा रेसिस्टेंस ले सकता है 2000, क्योंकि एक साइकोलॉजिकल लेवल है, तो पहला 1800 टारगेट होगा अगर इस लेवल को ब्रेक करता है। आपको यहाँ पर मत बाय कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ से स्टॉक नीचे भी आ सकता है, क्योंकि देख सकते हैं स्टॉक काफ़ी वोलेटाइल है, ऊपर नीचे, तो इस तरह के स्टॉक को कभी भी आपको ऊपर के लेवल पर बाय नहीं करना है। अगर यहाँ गिरावट होती है तो वेट कीजिए और नीचे के प्राइस लेवल पर बाय कर लीजिए। पीएसयू सेक्टर का स्टॉक है, कुछ खास चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, जैसे सपोर्ट लेवल के पास आता है तो यहाँ पर SIP स्टार्ट कर दीजिए। अगर नीचे आते जाएगा तो नीचे के प्राइस पकड़ेंगे, ऊपर जाएगा तो ऊपर के प्राइस पकड़ेंगे। ऐसे भी कंपनी लगातार प्रॉफिट ग्रो कर रही थी, इस कंपनी में खास गिरावट की गुंजाइश नहीं है, मतलब यहाँ पर कई बार अपॉर्चुनिटी मिला, जिसने 4 times अपॉर्चुनिटी दिया, तो हो सकता है इस बार अपॉर्चुनिटी ये ना दे, यहाँ से ब्रेकआउट कर जाए। अगर मार्केट में तेजी बनी रहती है तो यहाँ से ब्रेकआउट कर सकता है, अगर मार्केट में गिरावट होती है तो इसमें भी थोड़ा बहुत करेक्शन आपको देखने मिल सकता है। तो चार्ट पे भी स्टॉक सॉलिड है, लेकिन गुजरात गैस कुछ ज़्यादा ही सॉलिड है क्योंकि उसके
प्रॉफिट में ग्रोथ काफी ज्यादा देखने मिला था। इस कंपनी के प्रॉफिट में थोड़ा ग्रोथ कम है, लेकिन यहाँ चार्ट पे जब ब्रेकआउट होगा तो जबरदस्त आपको यहाँ पर टारगेट देखने मिलेगा लगभग 1800 का। तो आप यहाँ पर ब्रेकआउट पे या तो इन्वेस्ट कर सकते हैं, या तो आप यहाँ पर जैसे जैसे नीचे गिरता है तो इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इन्वेस्टर के ज़्यादा अच्छा होता है कि सस्ते में हम स्टॉक को बाय करें, जब ये स्टॉक फंडामेंटली इतना स्ट्रांग है तो जैसे नीचे गिरता है तो बाय करें, काफ़ी ज़बरदस्त रहेगा। काफ़ी सस्ते प्राइस पर, मतलब जो भाव होगा वो भाव आपको काफ़ी सस्ता मिलेगा, जिससे आपको रिटर्न काफ़ी ज़बरदस्त मिलेगा लॉन्ग टर्म में। अगला है इंद्रप्रस्था गैस, ये भी काफ़ी ज़बरदस्त स्टॉक है। तीनों के तीनों स्टॉक जो पीएसयू से है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था। अब यहाँ पर मार्केट कैप की बात करें, 37,000 करोड़ का मार्केट कैप है, मतलब ये गुजरात गैस से छोटी कंपनी है मार्केट कैपिटलाइजेशन में और महानगर गैस से बड़ी कंपनी है। अब बात करें पी का, 34 का पी है, मतलब गुजरात गैस और इंद्रप्रस्था गैस दोनों का पी लगभग बराबर है। महानगर गैस का पी हाफ था, बहुत ही कम था, 18 के पास पी था लगभग 50% इसका। डिविडेंड भी देख लीजिए, इसका काफ़ी कम है 0.53%। तो जिसका प्राइस काफ़ी हाई होगा, मतलब पी काफ़ी हाई होगा, उसका आपको डिविडेंड यील्ड काफ़ी कम मिलेंगे, क्योंकि से प्राइस के मूव करने से डिविडेंड यील्ड जो है वो घटता है। अब बात करते हैं कंपनी के जो डेट टू इक्विटी है, कंपनी वर्चुअली डेट फ्री है 0.02, मतलब जो डेट है इक्विटी के मामले मात्र 2% है, जो डेट है कंपनी का वो इक्विटी से मात्र 2% है। तो 2% डेट, तो वर्चुअली डेट फ्री कंपनी हुआ। अब नेट प्रॉफिट की बात करें, 1088 करोड़ का नेट प्रॉफिट है, तो कंपनी का नेट प्रॉफिट काफ़ी अच्छा है। रिजर्व जो है 5437 करोड़ का है, तो रिजर्व भी कंपनी का काफ़ी अच्छा खासा है। अब प्रॉफिट ग्रोथ की बात करते हैं, कंपनी का जो 2015 में प्रॉफिट था 448 करोड़ का था, जहां से प्रॉफिट लगातार बढ़ते गया, और जो 2020 है उसमें प्रॉफिट हो गया 1249 करोड़ का। तो इस कंपनी का भी प्रॉफिट देख सकते हैं लगभग 3 times हुआ है, और जो महानगर गैस था उसका 2 times हुआ था, गुजरात गैस का 6 times। तो इसका भी प्रॉफिट 3 times हुआ है। सबसे कम प्रॉफिट ग्रोथ किसमें देख रहा मतलब महानगर गैस में। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करते हैं, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखिए इसका 22% था, जहां से बढ़कर के 28% हो गया। तो इसमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन और भी जैसा इस सेक्टर के स्टॉक में देखा जा सकता है कि बहुत ज़्यादा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन होते हैं, तो और भी ज़्यादा बढ़ सकता है यहाँ से ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। अगर एनालिसिस की बात करें तो कंपनी में कोई भी कॉन्स नहीं है, मतलब कोई भी निगेटिव चीज़ें नहीं है। अब बात करते हैं प्रोज का, तो कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। कंपनी जो गुड प्रॉफिट 21% CAGR से दिखाया है पिछले 5 years में, तो काफ़ी बेहतरीन कंपनी है। कंपनी जो है मेंटेन किया हेल्दी डिविडेंड पे आउट ऑफ 18%, तो ये भी काफ़ी बेहतरीन है। अब बात करते हैं यहाँ पर कंपनी का जो टेक्निकल चार्ट है, तो टेक्निकल चार्ट आप देख सकते हैं कंपनी काफ़ी सॉलिड है और काफ़ी बेहतरीन कंपनी ने अपने ट्रेंड लाइन को मेंटेन करके रखा है। देख सकते हैं ये ट्रेंड लाइन है, इस पे हमेशा कंपनी आता है और यहाँ से बाउंस बैक से प्राइस कर जाता है। तो मतलब ये कंपनी काफ़ी अभी अच्छे ट्रेंड में चल रही है, मतलब लगातार अप ट्रेंड में है कंपनी, काफ़ी गजब की तेज़ी दिखलाया है। देख सकते हैं ये इस ट्रेंड लाइन के बीच ये कंपनी चल रही है, ये अपर ट्रेंड लाइन है, ये लोअर ट्रेंड लाइन, तो कभी भी ये लोअर ट्रेंड लाइन के पास आता है तो आप इसको बाय कर सकते हैं। अगर ये इस ब्रेकआउट करता है अपर ट्रेंड लाइन को, तो फिर ये इसमें ज़बरदस्त तेज़ी देखने मिलेगा। वो तेज़ी कब आएगा, जब कोई फाइनेंशियल जो पैरामीटर है जैसे प्रॉफिट में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ आ जाए। तो जब तक इस ट्रेंड लाइन में है तो आप जो है नीचे के सपोर्ट लेवल पे बाय कर सकते हैं। ये ट्रेंड लाइन इसका सपोर्ट लेवल है और ये ट्रेंड लाइन इसका रेसिस्टेंस लेवल है। तो इसका भी चार्ट काफ़ी ज़बरदस्त है। तो हर स्टॉक जो है अपना अपना कैरेक्टर में चल रहा है। MGL जो है एक रेंज बाउंड स्टॉक है, IGL ट्रेंडिंग स्टॉक है, और गुजरात गैस महान ट्रेंडिंग स्टॉक। देखते पूरी तरह से ये ट्रेंड में चल रहा है, मतलब एक जो बुलेट है बुलेट की रफ्तार से ये स्टॉक चल रहा है गुजरात गैस, जबकि MGL जो है ये रेंज बाउंड स्टॉक है। देखते हैं ये रेंज बना रखा है, जब तक इस रेंज को ब्रेक नहीं करता है, रेंज को ब्रेक करेगा तब आपको 1800 का टारगेट मिलेगा। IGL ये ट्रेंड लाइन के बीच है, नीचे के ट्रेंड लाइन मतलब सपोर्ट ट्रेंड लाइन पर आता है तो आप बाय कर सकते हैं, अपर ट्रेंड लाइन पर जाता है तो आप उसको चाहे तो सेल करके कुछ प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, या यहाँ पर जब ब्रेकआउट देगा तो गजब का टारगेट ये दिखाएगा, क्योंकि तब ये फिर जिस तरह से गुजरात गैस बुलेट की रफ्तार चल रहा है उसी तरह से चलेगा, और इसमें कोई ना कोई फाइनेंशियल जो पैरामीटर है वो जरूर सपोर्ट करेगा इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने में, नहीं तो ये धीरे धीरे इसी तरह से इस ट्रेंड लाइन में चलता रहेगा। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो यहाँ पर आपको जो फंडामेंटल है और जो टेक्निकल है दोनों एनालिसिस सीखने के लिए मिलता है, किस प्राइस पे आपको स्टॉक बाय करना है और कौन से स्टॉक को बाय करना है। इन तीनों में से कोई एक स्टॉक आप बाय कर सकते हैं, तीनों का एनालिसिस मैंने आपको दिखा दिया कौन किस
मतलब पैरामीटर पे बेहतरीन है वो आपको तय करना है कौन सा स्टॉक बाय करना है, और भाव भी बता दिया किस स्टॉक को कब बाय करना है। MGL रेंज बॉन्ड है, उसको कभी भी गिरावट में बाय कर सकते हैं। IGL कभी भी स्ट्रेन लाइन सपोर्ट पर बाय कर सकते हैं, और गुजरात गैस जब भी गिरावट में मिले आप बाय कर सकते हैं, क्योंकि ये स्टॉक तो पूरी तरह से बुलिश है, हायर लेवल पर ट्रैप ना हो, क्योंकि हो सकता है गिरावट कभी भी देखने मिल सकता है। PSU स्टॉक है, ऐसे भी धीरे धीरे चलता है, तो आपको बहुत सारे मौका देगा ये स्टॉक बाय करने का, तो धड़फड़ाना नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऊपर के लेवल पर ट्रैप हो जाते हैं। आप गिरावट होने दीजिए, कंसोलिडेट करता है, सपोर्ट लेता है, वहां पे बाय कर लीजिए। उसके लिए आपको डेली चार्ट को फॉलो करना है, डेली चार्ट पर ये कहीं ना कहीं सपोर्ट बनाएगा, वहां पे बाय करना है। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, जब पहली बार है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं इसी तरह के एजुकेशनल वीडियो में।